यहाँ भारतीयता की बात करने वाले हैं। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं। आइए इस अवसर पर हम कुछ मज़ेदार बात करें जिससे थोड़ा गर्व फील हो सके, हिंदुस्तानी होने पर जिस पे हमारे को इत्मीनान और इतराना आए। आइए आज कुछ ऐसी बातें करें जो सच्ची हो, जो पक्की हो और जिसको सुनने के बाद ऊर्जा का एहसास हो। देखिए, आज चलते हैं हम इतिहास पे। जो इतिहास हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, ये इतिहास 500 साल का है, ये इतिहास 700 साल का है, और अधिकतम अगर बात करें तो इतिहास 1000 साल पुराना है। इतिहास की किताबें हमने पढ़ी, अकबर महान की बातें की, महाराणा प्रताप की, महात्मा गांधी जी की, ये जितनी भी सभ्यता और संस्कृति जो हमारी किताबों में अधिकतर देखी जाती है, अधिकतर सुनी जाती है, अधिकतर बोली जाती है, ये सब संस्कृति, ये सब सभ्यता तो मात्र 1000 साल की बात है। आइए भारतीयता की बात करें, भारत देश की बात करें, भारत के गौरव की बात करें, उस सोने की चिड़िया की बात करें जो अब विलुप्त होता जा रहा है, जो हमारे मन में ठहर सा गया है, हमें समझ नहीं आता। देखिए, अगर हम वेदों की बात करें तो लोगों के अलग अलग मत है, पर यह भी 20 से 25 हजार साल पुरानी घटना है, पर हिंदुस्तान तो इससे भी पुराना है। और जिस सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, जिस किताबों में पढ़ते हैं, जिसको बच्चा पढ़ता है, जिसको यूथ पढ़ता है, वो तो 500 साल पुरानी बात है। आइए एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, हम तो 25,000 साल पहले अगर वेद लिखे गए, वेद पढ़े गए, वेदों का लिटरेचर लिपिबद्ध मिलता है, तो हिंदुस्तान तो इससे कहीं पुराना है। मुझे लगता है हम हजारों साल पहले की ये सभ्यता है, 1,00,000 साल अगर माने तो उसमें अगर 500 साल के इतिहास पर हमें गिन्न महसूस होती है, उसमें कुछ गंदगी दिखाई देती है, तो कौन सी बड़ी बात है। देखिए, अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया कहते हैं, लेकिन अगर 1,00,000 साल में अगर 200 साल को देखा जाए तो ये तो बहुत थोड़ा सा है। आइए इस पूरी सभ्यता को, भारतीयता को 100 मान लेवे तो 500 साल तो एक से भी कम संख्या हुई, और जिसके कारण हम अपने आप को हीन समझ रहे हैं वो क्यों है, आइए उसी भी चर्चा कर लें। क्यों है ऐसा, आइए जरा 1000 साल पहले करें, जब विदेशी आक्रांता यहाँ आते थे, यहाँ पर हमला होता था, यहाँ पे लूट खसोट होती थी, हमारे सोमनाथ मंदिर पे लूट खसोट की गई, उस समय ऐसा क्या था, चर्चाएं थी भारत के सोने की चिड़िया होने के कारण, भारतीय समझ की धाक थी हमारे विदेशों में, और इसी वजह से लोग यहाँ आते आया करते थे। अरे देखिए ना तक्षशिला को, देखिए नालंदा को, लोग हमसे पढ़ने और समझने आया करते थे, आज हम जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, आइए इस पे विचार करें, क्यों होता है ऐसा। देखिए, जिन लोगों को अगर अपने आप पर, आप किसी भी तरह के कपड़े पहने कोई प्रॉब्लम ना, आप कपड़े पहने ना पहने उस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो इस बात पे है कि आप सब चीज बदलिए पर अपना एटीट्यूड तो ना बदलें। देखिए, पहला इंसान, पहली सभ्यता, पहली संस्कृति, पहला लिटरेचर कोई अगर बात बने तो वो हिंदुस्तान की बनेगी। यूं ही नहीं कह दिया गया था हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया, यूं ही नहीं यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा की नींव रखी गई थी, यूं ही नहीं यहाँ पर जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा गणित की में जो पहल की गई थी वो यूं ही नहीं कर ली गई थी। लेकिन हम जिस इतिहास को पढ़ते रहते हैं किताबों में, ये इतिहास बहुत ही नया नया है, क्योंकि ये 500 साल का ही बात है। और अगर 1,00,000 साल में अगर 500 साल अगर हम बिगड़े भी तो कौन सी कोई बहुत बड़ी बात हुई। ये बिगड़े भी इसलिए क्योंकि हमें हीन भावना थी। आज अगर दो ग्रुप में बिठाया जाए बच्चों को 15-15 साल के, तो आप आसानी से इस फर्क को महसूस कर सकते हैं। 5 हिंदुस्तानी बच्चों को बिठाइए, 5 अंग्रेजी बच्चों को बिठाइए, लेकिन आप जब गौर से देखेंगे तो अंग्रेजी बच्चा अधिक मुस्कुरा रहा है, हम अधिक दुखी है, हमें अधिक हीन भावना है। ये क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने आप को स्वीकार कर लिया है, हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप से परेशान हैं, हमारे में नेगेटिविटी है, हम हिंदुस्तानी होने के गर्व को महसूस नहीं करते, हम अपनी भाषा और कपड़ों को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे लगता है ये बात हमें सीखनी पड़ेगी और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को हमें महत्व देना पड़ेगा। कितना अच्छा है कि हम नकली अंग्रेज बनने से अच्छे पहले हिंदुस्तानी बन जाए। आप कितना भी अच्छा पॉप म्यूजिक करिएगा, आप कितना भी अच्छा गाना गाइएगा अंग्रेजी में, आप कितने भी अच्छे अंग्रेजी में लेक्चर बनिएगा, आप अंग्रेजों को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे।
लेकिन आप जब अपनी बात अपनी भाषा में करेंगे, अपने लय और अपनी आत्मीयता से करेंगे, तो वो ही प्रभावशाली बनेगी। जितने लोग हिंदुस्तानी अंग्रेजी भाषण देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हीन भावना आप आसानी से देख सकते हैं। मुझे लगता है हमारे को अपने गौरव को वापस लौटाना होगा, हमें अपनी मूल संस्कृति, अपने कल्चर को पुनः वापस लौटाना पड़ेगा। आइए, इसको लौटाने के लिए पहला जो संदेश, जो पहली बात मुझे समझ में आई, वो तो ये थी कि ये है कि हमें सबसे पहले तो अपने आप पर गर्व, अपने आप पर प्राउड, मैं बोलूँ अपने आप पर अहम भी कर डालिए, क्योंकि अहमता से इतना नुकसान नहीं है जितना हीन भावना से नुकसान होता है। अहम करिए किसी बात का, तो भारतीय होने का कोई आसान काम नहीं है। भारत में जन्म लेना, भारतीय होना, अरे वो लोग को क्या गर्व होगा जिन्हें ये भी पता नहीं कि भाई हम इंसान हैं। कौन कहता है जंगल का राजा शेर है? शेर और इंसान दोनों साथ जंगल में चले थे, आज शेर पिंजरे में और इंसान हवाई गोते लगा रहा है। जंगल का राजा शेर है, मैं कहूँगा नहीं, जंगल का राजा इंसान है। इंसान होने पे गर्व करिए और उस इंसान होने के बाद हिंदुस्तानी होने पे गर्व करिए। क्यों? क्योंकि हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में ज्ञान बहता है। आइए भारत, भारत का मतलब समझ ले। भा का मतलब है ज्ञान और रथ का मतलब है जहाँ रहता है। जहाँ ज्ञान और नॉलेज रहता है वहाँ प्रॉस्पेरिटी रहती है, वहाँ सेल्फ एस्टीम रहता है, वहाँ प्यार और मोहब्बत पलते हैं, वहाँ सत्य सत्य की पूजा की जाती है। हमने अपने आप को बहुत हल्का समझा और इसी वजह से लोगों ने हमारी मजाक बनाई है। आइए भारत को हम उसी गौरव की तरफ लौटाएं। इस इंडिपेंडेंस डे में हम अपने आप को स्वीकार करें। हम चाहे कैसे भी कपड़े पहने, चाहे हम कैसी भी टोपी लगाएं, लेकिन हमारे को अपना एटीट्यूड जो है वो नहीं बदलना चाहिए। आइए इन दो बातों पे विचार करें। आज ऐसी दो बातें जो खास लगती है, जिस पे विचार कर लेना चाहिए। एक तो हमारे को हम गुलाम कौन होता है? मुझे नहीं लगता जिनको बेड़िया पहना दी जाती है वो गुलाम होते हैं। मुझे नहीं लगता जिनको कैद खानों में रख दिया जाता है वो गुलाम होते हैं। मुझे लगता है जिन्हें डरा दिया जाता है वो गुलाम बन जाते हैं। और हमारी समस्या डर है, हमारी समस्या हीन भावना है, हमारी सभ्यता, हमारी 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 समझ की जो कमी है, हमारे को अपने आप पे जो स्वाभिमान नहीं है, बस ये हमारे गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी बात जो मैं बताता हूँ, डर के आगे जीत है और डर से जो आगे निकलता है वही स्वतंत्र रह पाता है। अगर जिस रोज हम अपने आप को समझने लगेंगे, अपने धर्म, अपने कल्चर पे हम विश्वास करने लगेंगे, उस रोज हम तरक्की करने लगेंगे। एक दूसरी बात जो मैं बताता हूँ कि देश वो तरक्की करता है जहाँ पर पूजा की जाती है। आइए भारत की जड़ पे जाए, भारत की मूल भावना पर जाए। भारत अगर पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए, पूरे जीवों 700 इंसानों और पूरे क्रिएचर की बात की जाए, तो जितने भी जीव जंतु हैं इनके अंदर नर और मादा इस दो ही भागों में बांटा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई क्रिएचर है और उनका उनका क्लासिफिकेशन करना है तो हम उसे दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक नर और एक मादा, एक पुरुष और एक स्त्री। मुझे लगता है भारत एक स्त्री देश है, क्योंकि एक स्त्री एक पुरुष को जन्म देती है। भारत ने ही सभ्यता को जन्म दिया है, इसलिए भारत एक स्त्री देश है जिसमें सहनशीलता है, जो सहिष्णु है, जो क्रिएचर है, जो सभ्यता को आगे बढ़ाने वाला देश है। इसलिए कई बार हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, पर कमजोरी और जो ताकत है वो किसी बाहुबल का नतीजा नहीं और पिस्टल और एटमिक पावर की व्यवस्था नहीं है। असली पावर जो है वो प्रगति की पावर है, वो सृजन की पावर है। भारत एक स्त्री देश है, ये इसकी ताकत है और ये इसकी 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 स्ट्रेंथ है। आइए हम इस बात को समझें। भारत एक दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे, जो भारत को वापस अपने गौरव को लौटा सकेगी, क्योंकि जब से लगभग 2,500 साल से हमारे पास लोग बाहर से आए, आक्रमण किया, हमने अपनी पूरी सभ्यता को बदला, हमने अपने कपड़ों को बदला, है ना, स्त्रियों का शोषण किया जाने लगा। स्त्रियां वेद जब लिखे गए उनमें मूल जो कंट्रीब्यूशन था वो लेडीज़ का था। लेडीज़ को हमने स्वतंत्र सोच दी, लेकिन जब से हम अगर 1,000 साल की हिस्ट्री की बात करें तो साड़ी लंबी होती गई, हमने उनको पर्दे में डाल दिया और वहाँ से हमारी आधी आबादी खराब हो गई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो महत्वपूर्ण ताकत थी हमारी, वो कमज़ोर हो गई, क्योंकि
मानवता में जब तक कोई तकनीकी ज्ञान ना दिखे, जिस देश के अंदर तकनीकी ज्ञान का चिन्ह ना दिखे, जहाँ इमोशन ना दिखाई दे, तो समझ लेना उस सोसाइटी में नारी दबी हुई है, शोषित है, कुचली हुई है। अगर हम अगर अपने इस देश को वापस उस गरिमा पर ले जाना चाहते हैं तो हमें उस शख्स की कदर करनी पड़ेगी जो एक प्रेमिका बनकर प्रेरित करती है, जो माँ बनकर प्रेरित करती है, जो बहन बनकर प्रेरित करती है, और एक सपनों का सपनों के पीछे दौड़ना सिखाती है। सपने सोसाइटी में अगर बढ़े हैं तो औरतों के कारण, महिलाओं के कारण, स्त्रियों के कारण, बहनों के कारण। मुझे लगता है कि सपनों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये ताकत अगर हमें बढ़ेगी तो हम नई नई चीज़ों का सृजन करेंगे। आइए हम पुनः अपने इस गौरव को महसूस करें, हम अब हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करें, हम भारतीयता को पुनः लौटाएं, हम अपने आप को पहचानें, हम अपने आप को गौरवशील करें ताकि हम फिर तरक्की करना चालू करें। हमारे यहाँ 1000 साल से आविष्कार नहीं हुए क्योंकि हमने पीछा करना चालू किया, हमारे में हीन भावना आई, हमने अपनी समझ को छोटी समझ समझा, हम सब लोग नकल करने लगे। ये नकल की भावना जब खत्म होगी तब ये देश तरक्की करेगा, ये डर की भावना जब खत्म होगी तब ये देश तरक्की करेगा, जब ये हीन भावना खत्म होगी तब ये देश तरक्की करेगा, जब महिलाओं का सम्मान और गौरव होगा तो ये देश तरक्की करेगा। आइए इस इंडिपेंडेंस डे को, इस स्वाधीनता दिवस को, जो हम फिजिकल रूप से हम लोग एक आज़ाद हो गए, ये अब हम वास्तविक आज़ादी को एंजॉय करें, हम अपने आप को स्वीकार करें, अपने आप में सेल्फ एस्टीम फील करें, ताकि इस साल का जो स्वाधीनता दिवस हो, 2017 का जो स्वाधीनता दिवस हो, इंडिपेंडेंस डे हो, ये बिल्कुल डिफरेंट और अलग हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में कि इस बार इंडिपेंडेंस डे पे पगड़ी पहनी जाएगी, धोती पहनी जाएगी, स्वाभिमान के साथ इसे बनाया जाएगा और गर्व से कहा जाएगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना, मेरे विचार जानने के लिए समय दिया, मैं तहे दिल आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः कहूँगा गर्व से कहिए हिंदुस्तानी है। शबा खैर, धन्यवाद, मेहरबानी। भारत तुझ में गीता सार है, भारत तू अमृत की धार है, भारत तू गुरुओं का देश है, भारत तुझ में सुख संदेश है।